तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है और वो मोशन कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। दो पार्टिकल है, ठीक है ना। उनका तो पार्टिकल फर्स्ट और पार्टिकल सेकंड के बारे में नीचे बहुत सारा स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट है, तो इसमें से कौन सा सही है वो हमें पता करना बच्चों। तो चलो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ, बोथ पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मतलब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक्स टी ग्राफ से एक्सलेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर ये एक्स टी ग्राफ है, कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दिस इज द एक्स, दिस इज द टी, तो जो इसका वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी वो तो डी एक्स ओवर डी टी, तो स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो अगर तुम देखोगे, चलो मान लो मैं ऐसा स्लोप बना दिया, तो ये तो स्लोप इंक्रीजिंग है ना, दैट इज टेन थीटा। तो आई होप कि स्लोप आपको पता होगा। तो ये स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है। देखो किसी भी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे, टेंजेंट बनाओगे, तो एंगल देखो, पी पॉइंट का एंगल ये है और क्यू पॉइंट का जो एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल ज़्यादा है और ये एंगल तो बिल्कुल कम है। तो स्लोप बढ़ रहा मतलब स्पीड बढ़ रहा। अब देखो फिजिक्स में स्पीड तभी बढ़ सकता है, स्पीड इसका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से स्पीड देखो, और वो भी स्लोप पॉजिटिव है, तो डी स्पीड यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सलेशन भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि जब स्पीड, वेलोसिटी और एक्सलेशन एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तभी जाके फिजिक्स में स्पीड बढ़ती है। मतलब ये जो फर्स्ट है वो एक्सेलरेटेड मोशन को शो करा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। उसी तरह से ग्राफ बी है, तो ग्राफ बी का अगर एनालिसिस करोगे, तो ग्राफ बी अगर यहाँ से देखोगे, तो बी में स्लोप ऐसे घट रहा है, देख रहे हो, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक्स टी ग्राफ है, तो इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है और सबसे कम जो स्लोप है वो एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। स्लोप जो है लाइन, यहाँ पर स्लोप देखो, यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा था, ऐसे टेंजेंट बनाओगे, फिर यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा ऐसे कम हुआ, ये वाला एंगल, ये एंगल ज़्यादा है, यहाँ पर और कम हुआ, और यहाँ पर बुलाओगे तो यहाँ पर इस हॉरिजेंटल पॉइंट पे तो स्लोप जीरो है। मतलब डी एक्स ओवर डी टी जो है स्लोप, मतलब अगर मैं इधर से इधर जाता हूँ तो थीटा इंक्रीज हो रहा है, स्लोप थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। टेन थीटा इंक्रीज होगी तो सॉरी, यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू भी कम होगी। तो स्पीड यहाँ पर देखोगे तो स्पीड कम होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर स्पीड यहाँ पर जो कि पॉजिटिव है और कम हो रहा है, समझ रहे हो, तो अगर स्पीड इधर पॉजिटिव है और कम हो रहा है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सलेशन को अपोजिट होना पड़ेगा, तब जाके स्पीड घट सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। स्पीड घट कैसे सकता है यार, स्पीड जब घटेगा, जब वेलोसिटी और एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड बढ़ता है। तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम इससे ऑप्शन चेक करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, बोथ यूनिफॉर्मली रिटार्ड है ये भी गलत है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड है और सेकंड यूनिफॉर्मली रिटार्ड है, ये सही है और डी गलत है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चमक गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।